नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के राम लक्षण चौराहे पर राष्ट्रीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय निषाद का उन्हीं के समाज के लोगों व चंद्रिका निषाद के नेतृत्व में निषाद विरोधी व आरक्षण विरोधी का नारा लगाते हुए पुतला दहन किया गया। इस दौरान चंद्रिका निषाद ने बताया कि संजय निषाद अपने समाज को पीछे छोड़ते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने बताया कि संजय निषाद सत्ता के नशे में चूर हैं। 10 अक्टूबर को राम लक्षण चौराहे पर अपने रोड शो के दौरान अपने ही समाज के कृतपुरा निवासी महेंद्र निषाद जो सही बात कर रहे थे उनको डॉक्टर साहब के सामने ही कार्यकर्ताओं ने पीटा, पर संजय निषाद एक बार भी नहीं बोले। किस संबंध में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप पुतला फूंक रहे हैं? जो लोग जो समाज के साथ गद्दारी करने का काम किया संजय निषाद ने, उसके लिए हम लोग अब रोड पर निकल आए हैं उनके विरोध में। उनका जगह जगह पुतला फूंकेंगे और निषाद समाज के नाम पर संजय निषाद कलंक है। हमारे अखिलेश निषाद का हत्यारा है, उनका हत्या कराया, उसके बाद राम लक्षण चौराहे पर महेंद्र निषाद को मरवाया। वह अब लोगों को हत्या करवाने और मरवाने का काम कर रहे हैं और आरक्षण के नाम पर हमारे समाज को धोखा दे रहे हैं। मैं उसी का विरोध करने के लिए उनका इस चौराहे पर विरोध हम लोग जुटे हैं। संजय निषाद निषादों का प्रतिनिधित्व केंद्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कर रहे हैं, वो निषादों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आरोप कैसे लगा रहे हैं? वो चाहे तो आरक्षण का मुद्दा है, उनकी सरकार दोनों जगह है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। अगर संजय निषाद चाहे तो एक मिनट का काम है, भाजपा उनके कहने पर निषादों को आरक्षण दे सकती है, लेकिन उनका काम है निषादों को बरगलाना, निषादों को मरवाना, उनका यही काम है। और अपने लाभ के लिए भाजपा से सटे हुए हैं, ना कि निषादों के लिए, समाज के लिए। उनका कोई हित नहीं है, उनके वो सिर्फ अपना हित साध रहे हैं। अगर वो चाहते तो दो मिनट में भाजपा सरकार आरक्षण निषादों को 17 जातियों को दे दे। आपको पता है नेताजी, भारतीय जनता पार्टी नौकरी समाप्त कर रही है, सरकारी नौकरियां समाप्त कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग को आरक्षण कहां से दे सकते हैं? संजय निषाद अगर कहे तो आपने विश्वास कैसे किया है? हम लोग विश्वास इसी के नाम पर तो ठगे जा रहे हैं। उनके विश्वास, उनके बरगलाने पर हमारा समाज जो है आज बरगला गया है और उनके साथ जो भी कुछ लोग बचे हैं वो चल रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मैं चंद्रिका निषाद समाजवादी पार्टी से हूँ, लेकिन यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का कार्यक्रम। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।